नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो भाई बात करेंगे आज जो T20 ब्लास्ट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल खेला जाने वाला है सर्रे वर्सेस डरहम के बीच में। दोनों की क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है इस मैच में, जो भी प्रेडिक्शन बनेगी उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस मैच में आपके लिए बहुत कुछ विनिंग के लिए बन सकता है, क्योंकि मौसम यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी वाले हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियो मिले आपको रेगुलर हमारे चैनल से, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। चलिए तो सर्रे वर्सेस डरहम का ये मैच खेलेगा। इस सीरीज की बात करें पहली बात, तो भाई इस सीरीज में सर्रे ने 14 मैच खेले, 7 जीते हैं। वही इनकी बात करें तो इन्होंने 14 मैच खेल के 14 में से 7 जीते और इन्होंने 9 जीते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीरीज में थोड़ा सर्रे स्टार अच्छा कर रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ग्राउंड की बात की जाए तो भाई यहाँ पर क्वार्टर फाइनल फर्स्ट जो खेला जाएगा कैनिंगटन ओवल लंदन में, ज्यादातर मैचेस खेले जा रहे हैं। और अब करते हैं भैया बारिश की बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर फैंटेसी लीग में जीतने के लिए। ठीक है, तो बारिश के चांसेस भाई अभी इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये मैच रात को 10:30 बजे होने वाला है, और कैनेडियन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो शाम को 5 बजे मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर भी जहां पर मैच है अभी बारिश दबा के हो रही है, लेकिन शाम को 5 बजे के आसपास, यानी वहां के 5 बजे और इंडिया के 10:30 बजे, तो उस समय मौसम थोड़ा ठीक है, मौसम क्लाउडी रहेगा, तो मैच मेरे हिसाब से पूरा देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान से आप इन्वेस्ट चाहो तो कर सकते हो, और ग्रैंडिंग में तो ट्राई आपको करना ही है। ठीक है, अब आ जाओ भैया ग्राउंड की बात। ग्राउंड का देखो तो 164 का एक एवरेज स्कोर निकल के आता है यहाँ पर भाई, रन्स बनते हैं, ध्यान रखना रन्स वाली टीम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब आ जाओ 73 मैचेस यहाँ पर टोटल खेलेंगे, जिनमें से 31 बैट फर्स्ट और 40 बैट सेकंड जीती, और 2 यहाँ पर टाई हुए, जहां तक मुझे लगता है कोई मैटर करना नहीं चाहिए भाई, हिसाब से बराबर ही, कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न देखो थोड़ा सा 150 से नीचे 25 बार गया है, टीम गई है तो बिल्कुल खत्म हुई है, नहीं तो भाई बहुत कुछ करके गई है। सेम आप यहां देख सकते हो 190 प्लस। ठीक है, 21 बार है, करा तो कुछ नहीं करा, और उसके बाद करा है तो फिर सीधा 21 ये करा भैया, ये चीज आप देख सकते हो। 170 तक 18 बार और 190 पे यहाँ पे 9 बार स्कोर टच किया हुआ है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पे रन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कोशिश करना यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली टीम बनाने की इस मैच में। हेड टू हेड की और क्या मामला है लास्ट के, अपनी अपनी टीम के लिए देखा जाए तो 3 मैच यहाँ पे सर्रे जीत के आ रही है, और 5 में से 2 मैच यहाँ पे डरहम जीत के आ रही है। ठीक है, हेड टू हेड दोनों के बीच में आज तक कभी हुआ नहीं, और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड जो लास्ट के 10 मैचेस इस ग्राउंड पर हुए हैं उनमें देखो 73 विकेट्स तो यहाँ पे पेसर्स के पास है और 31 स्पिन के पास है, तो स्पिन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत रहेगी, ध्यान रखना, और क्या नाम है पेसर्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, काफी न्यूज निकल के आ रही है अभी, कौन से बड़े बड़े प्लेयर जो नहीं खेल रहे हैं, लोग लेके बैठे हुए ड्रीम इलेवन में, बट कोई नहीं, टॉस के बाद तो अपडेट आ ही जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ विकेट कीपर सेक्शन से, देखो चारों सेक्शन कंप्लीट करूंगा एक एक करके, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप लोगों भी अगर आप रख रहे हो भैया इच्छा इस मैच में भी अच्छा खासा वॉन करने की, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इस फैंटेसी बिल्ड की भाई सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अब तक की विजन लोन, अगर डाउनलोड नहीं करी हो तो भाई जल्दी से कर लो, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ पर रेफर कोड चंद्र123 यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, तो ट्राई जरूर करना, अच्छी ऐप है, TDS GST बिल्कुल फ्री है, प्लस कॉम्पिटिशन भी आपको लो ही मिलने वाला है। ठीक है, विकेटकीपर सेक्शन देखो रॉरी बर्न्स, ठीक है इसको ज्यादा सजेस्ट करूंगा, 20 रन का प्लेयर है, ज्यादातर मार जाए एक अलग बात है, बट जो ग्राउंड्स के रिकॉर्ड्स और रीसेंट का मामला है उसमें भैया रॉरी बर्न फिट नहीं होता, अगर आपका होता तो आप रख सकते हो। और रॉबिन्सन ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, दोनों ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ध्यान रखना ग्रैंडिंग वाले आर बंस को भी ट्राई जरूर करना इस मैच में। ठीक है, और रॉबिन्सन आपके लिए स्मॉल लीग की तरह रहेगा, और ग्रैंडिंग में भी कई टीम्स में काम आए, क्योंकि ग्राउंड्स का रिकॉर्ड्स और रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, एवरेज है। यहां से बात करो लॉरी वांस है, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, आप चाहो तो रख सकते हो। डी सिबले है, ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है, कहीं ना कहीं 20-25 रन की पारी आपको, यानी 30 रन तक की पारी खेल के दे सकता है, जिससे आपकी टीम रैंक कर सकती है, परसेंटेज भी आपको इनको इनकी लो ही दिखेगी। यहां से आ जाओ एलेक्स लीज है, ए टर्नर है, साथ में एम जोनिस है और बी मैकिनी है। अब यहां पर देखो एलेक्स लीज भैया इसका पता नहीं चल गया रहा है, एक मैच पर रन मारता है, एक में फ्लॉप होता है, एक में रन मारता है, एक में फ्लॉप होता है, ये कहानी चल रही है। प्लेयर ठीक ठाक है, लास्ट मैच में मार के आ रहा बढ़िया वाले, तो इस मैच में जो चलती आ रही है ना इसकी सीढ़ी, उस हिसाब से इसको ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हैं, अदरवाइज प्लेयर काफी अच्छा है, पहले आपको बता दूं। ठीक है, ए टर्नर को ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, आप रखना चाहते हो रख सकते हो। एम जोनिस एक प्लेयर है आपके पास जो स्मॉलिंग में भी आप चाहो तो यूनिक प्लेयर के तौर पर रख सकते हो, आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। अब आ जाओ भाई ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर में भैया सारी भरमार यहीं भरी पड़ी है,
यहाँ से प्लेयर चूज करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो प्लेयर भी होंगे जो बड़े से बड़े फ्लॉप भी जाएंगे और छोटे से छोटे जो आपके लिए काम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ऑलराउंडर की। उससे पहले इस फैंटेसी फील्ड की दूसरी एप्लीकेशन बैट बॉल 11 अगर डाउनलोड नहीं करी हो तो कर लो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंदू123 यूज करोगे 500 रुपए का वेलकम बोनस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर भी TDS GST सब कुछ बेस्ट है और क्या नाम है कॉम्पिटिशन भी लो ही मिलेगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि आप यहाँ पे लूडो या फिर रमी जैसे गेम्स या स्किल रखते हो तो फिर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ भैया यहाँ से, सैम करन हो गया, विल जैक हो गया, क्रिस जॉर्डन हो गया, साथ में कैमरॉन स्टील है, जेमी ओवरटन है, ये पांच तो दिखने वाले हैं यहाँ से, चार दिखेंगे यहाँ से, बी रेन है, कॉलिंग अकरमैन है, बी डी लीडे है और बी क्रिस है। यानी टोटल 5, 4, 9 प्लेयर आपके पास ऑलराउंडर में है। आप समझ सकते हो यहाँ से पिक करना कितना मुश्किल होगा। अब देखो सैम करन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी, इस मैच में अगर बॉलिंग नहीं करता है तो भाई फ्लॉप है, बेकार प्लेयर है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट बैटिंग से थोड़ा आपको कुछ करके दे सकता है, स्पेशली तब जब टीम पहले बैटिंग करती हो। ठीक है, विल जैक है, टॉप ऑर्डर बैटिंग करेगा, प्लस 2 से 3 ओवर भी करेगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छांट के रख लो, एक प्लेयर तो हमें ये रखना है। ठीक है, क्रिस जॉर्डन अगर पहले बॉलिंग करता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, दूसरा हम इसको रखेंगे, अगर पहले बैटिंग करता है, पहले बॉलिंग करता है तो, बाद में बॉलिंग करेगा तो ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकता हूँ। दूसरा ये मान के चलो इसके लिए तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा प्लेयर हमारा कैमरॉन स्टील जो आपको बैट प्लस बॉल दोनों से पॉइंट देगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रखना ही है। जेमी ओवरटन को थोड़ा सा कम ही सजेस्ट करूंगा, स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग करेगी तो आप क्रिस जॉर्डन और क्या नाम है जेमी ओवरटन को ट्राई कर सकते हो। यहां से आ जाओ, बी रेन मस्ट पिक रखना पड़ेगा भाई, टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देगा, साथ में कॉलिंग अकरमैन पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, आप चाहो तो रख सकते हो बट मैं सजेस्ट थोड़ा कमी करूंगा। साथ में यहां से बीडी लीडे एक प्लेयर है जो आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकता है इस मैच में फिर से, तो ट्राई जरूर करना। साथ में आपका बी क्रेस है, ये प्लेयर भी आपके लिए अच्छा प्लेयर बनता है, 1, 2, 3 प्लेयर यहां से और 3 प्लेयर यहां से, 2 या 3 प्लेयर यहां से निकल के आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रैंडली के पर्पज से भी और स्मॉल लीग के पर्पज से भी। अब आ जाओ बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग में भैया कुछ मामला खास है नहीं, टॉम करन है, सामने टी लॉवेस है, आर टोपलेर, रीसे टोपले भी खेलेंगे, पार्किंसन और स्वेटर दोनों के दोनों, नाथन सॉटर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विकेट निकाल के देंगे, ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है प्लस रिसेंट में भी ठीक ठाक है। टॉम करन पर रिस्क ले सकते हो, टॉम करन सैम करन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो जिसके सिचुएशन में यहाँ से टी लॉवेस या फिर रीसे टोपले को ले पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिक आप यूज कर सकते हो ग्रैंडी के लिए। बाकी स्मॉल लीग में एक बार टीम का रिव्यू करूं तो भाई विकेट कीपर सेक्शन से रॉबिन्सन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, यहां से बात करें तो डी सिप्ले एक अच्छी चॉइस है। ठीक है, दूसरा आपका एलेक्स ली स्मॉल लीग में तो रखना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एम जोनस का चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग वाले इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, सैम करन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग में, विल जैक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में आपका कैमरॉन स्टील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर टीम पहले बैटिंग करती है, अगर पहले बॉलिंग करती है तो उस सीजन में यहाँ पे सी जॉर्डन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से बी रेन इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग के लिए, बीडी लीडे या फिर ब्रेडन केस दोनों में से कोई एक जरूर ट्राई करना स्मॉल लीग में, ध्यान रखना। यहाँ से बात करें टॉम करन दुनिया लेगी, उसके बाद यहाँ से आप चाहो टॉम करन के साथ पार्किंसन और क्या नाम है नाथन स्वेटर को ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे टॉम करन के साथ रीसे टोपले के साथ भी आप अपनी टीम बना सकते हो। तो ये था स्मॉल लीग का मोटो, अगर समझ में आया हो तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को पीछे जाके देख लो अगर आपने स्किप करी हो तो। अब बात करते हैं फाइनली हमारे इस मैच के लिए फिक्स प्लेयर कौन से हो सकते हैं प्लस ट्रम्प कार्ड कौन से होंगे जिनको रखना है और जिनको नहीं रखना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन फाइनली हमारे क्या निकल के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी इस फैंटेसी फील्ड की तीसरी एप्लीकेशन फोकस 11 अगर डाउनलोड नहीं करी हो तो भाई जल्दी से कर लो, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ में रेफर कोड GET5 जरूर यूज करना, 555 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा, इंटरव्यूज कॉम्पिटिशन लो ही है प्लस TDS GST बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर बोनस को भी 70 से 80% यूज कर सकते हो चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। भाई ये तीनों एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है मेरे लिए भी आपके लिए भी, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बिल्कुल फ्री वीडियो, प्रमोशन होता सबको पता है मेरे व्यूअर्स को एक ही एप्लीकेशन के बारे में बताता। ठीक है, यहाँ हम लोगों का फायदा इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब आ जाओ यहाँ से बात करें सरने की तरफ से, तो भाई डी सिप्ले मेरा मैक्सिमम टीम में फिक्स रहने वाला है, ड्रॉप नहीं करूंगा, साथ में विल जैक हमारा रहेगा बिल्कुल फिक्स, उसके बाद यहाँ पे कैमरॉन स्टील है ये भी इस मैच में फिक्स रहने वाला है और साथ में रीसे टोपले यहाँ से सर्रे की तरफ से बिल्कुल फिक्स रहने वाले हैं। यहाँ से बात करें तो एम जॉनस है, साथ में बी रेन है, बी क्रेस है और साथ में कॉलिन पार्किंसन है जो मेरी मैक्सिमम टीम में फिक्स होंगे, और इनके साथ अगर नाथन स्वेटर पहले बॉलिंग करने लगा तो नाथन स्वेटर भी यहाँ पर इनकी जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भैया फिक्स प्लेयर। अब आ जाओ ट्रम्प कार्ड, ये होते हैं हमारे मेन चार वो ट्रम्प कार्ड जिनको ट्राई करना लोग नहीं कर रहे और चार वो ट्रम्प कार्ड जिनको ड्रॉप करना है, परसेंटेज बहुत हाई है लोग इन्हीं के पीछे पड़े हुए। पहले यस वाले देख लेते हैं, डीएस बोले तो आपका डी सिबले मैंने आपको पहले ही बताया, उसके बाद टीएल बोले तो आपका
टी एल बोलते हो टी लोवेस, ये दो प्लेयर है जो आपका ट्रम्प कार्ड का काम कर सकते हैं यहां से सर्रे की तरफ से। यहां से बात करें तो बी डी लीडे है और सातवां आपका बी सी बोले तो आपका बी क्रेस, ये दो प्लेयर ऐसे है जो आपको कहीं ना कहीं आज अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां से आ जाओ नो वाले हुए हैं जिनको ड्रॉप करने का, सैम करन जैसे मैंने पहले बोला बॉलिंग नहीं करता है, लगेगा आपको कोई भी न्यूज आएगा जरा से भी तो फिर सीजन में बेकार हो सकता है। साथ में आपका टॉम करन, इन दोनों में से एक को ही ट्राई करना। अब यहां से बात करें डरहम की तरफ से तो ए टी बोले तो आपका एस्टन टर्नर, गलती से भी ट्राई मत करना मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं क्या होता है। और सी ए बोले तो आपका सी ए, यहां से सी ए कॉलिंग अकर में बहुत ज्यादा लोग इस पर विश्वास दिखा रहे हैं, अगर आपको लगता है कुछ कर सकता है अच्छा तो आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरा काम है प्रेडिक्शन करना, मैच को देखते हैं रिसेंट को देखते हैं जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये था टोटल प्रेडिक्शन, अब बात करेंगे फाइनली कैप्टन और वाइस कैप्टन और कैसे लगी वीडियो, भाई कमेंट जरूर करना। वीडियो लाइक नहीं करी अब तक तो कर दो, बिल्कुल फ्री है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप भूल जाते हो बात। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन देखो, रॉबिनसन आपके लिए एक अच्छा प्लेयर बन सकता है एज ए कैप्टन, बाकी रॉरी बर्न्स को सजेस्ट नहीं करूंगा, सिबला हो गया लॉरी बर्न्स मतलब नहीं बनता, एलेक्स लीज को बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगा, एम जोनिस, यहां से बैटिंग सेक्शन से कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं है, और रॉबिनसन के अलावा। ठीक है, यहां से आ जाओ सैम करन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बनता है एज ए कैप्टन, विल जैक आपके लिए एज ए कैप्टन, साथ में आपका क्रिस जॉर्डन अगर पहले बॉलिंग करता है तो कैप्टन ट्राई कर सकते हो, कैमरन स्टील अगर पहले बैटिंग करता है तो कैप्टन ट्राई कर सकते हो, भाई सारी भरमार यही है तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। बी रेन नंबर वन कैप्टन वाइस कैप्टन, चाहे बैट फर्स्ट करे सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी बी डी लीडे अगर पहले बॉलिंग करता तो ये भी आपके लिए एज ए कैप्टन निकल के आता है। बॉलिंग सेक्शन से कोई मुझे लगता नहीं ऐसा प्लेयर है यानी जो चार से पांच विकेट ले जाए, या फिर कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जो बिल्कुल ही एक कोई विकेट दे जाए, तो अगर आपको लगता है कोई चार एक विकेट ले जा सकता तो आप उसमें बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, बट मैं थोड़ा कम सजेस्ट करूंगा, एक ही डिपार्टमेंट वो आपका ऑलराउंडर, इस पर फोकस करो, यहीं से आपकी टीम निकल के आने वाली है ग्रैंड लीग के लिए। ठीक है, तो भाई ये था टोटल प्रेडिक्शन इस मैच के लिए, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बिल्कुल मत भूलना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो ताकि आप बाद में हमारे जो आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके, और बाकी जो तीन फैंटेसी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है कोई सी भी पसंद हो खेल सकते हो, अच्छी ऐप है बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।